गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी रीड चैप्टर 2 फूड पार्ट 2 पेज नंबर 12। वी ऑल लाइक टू ईट डिफरेंट फूड आइटम्स। हम सभी को डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स खाना पसंद है। पीपल हु ईट फिश एग्स एंड मीट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। ऐसे लोग जो फिश अंडा मतलब मछली अंडा और मांस खाते हैं उन्हें हम नॉन वेजिटेरियन या मांसाहारी कहते हैं। सम पीपल डू नॉट ईट फिश मीट एंड एग्स दे आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। कुछ लोग जो मांस मछली अंडे नहीं खाते हैं उन्हें हम वेजिटेरियन या शाकाहारी कहते हैं। देयर आर सम फूड्स विच इफ़ ईटन वेरी ऑफन मे मेक अस सिक। कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो हमें बीमार बना देते हैं। दे कंटेन उसमें आते हैं जैसे लॉट्स ऑफ ऑयल शुगर एंड सॉल्ट। ज़्यादा नमक खाना, ज़्यादा शुगर लेना या ज़्यादा मात्रा में ऑयल का यूज़ करना। दे आर कॉल्ड जंक फूड, इन्हें हम जंक फूड कहते हैं। फ्राइज पिज़्ज़ास बर्गर्स चॉकलेट्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स आर सम एग्जांपल ऑफ जंक फूड। आपको जंक फूड के एग्जांपल दिए गए हैं जैसे कि फ्राइज, किसी भी चीज़ को फ्राई करके खाना, पटैटो, ओके पटैटो फ्रेंच फ्राइज होती है ना, एंड पिज़्ज़ा बर्गर चॉकलेट या सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, ये सभी जंक फूड में आते हैं। इन सभी को खाने से आप बीमार हो जाते हैं, इसलिए इनको बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, स्वस्थ खाने की आदतें आपको बताई गई हैं। गिवन ब्लो आर सम ईटिंग हैबिट्स विच वी शुड फॉलो टू सेफ्टी या स्टे हेल्दी। यदि आपको स्वस्थ रहना है तो आपको कुछ खाने की आदतों को फॉलो करना पड़ेगा जो अच्छी आदतें हैं। ऑलवेज ईट फ्रेश फूड, हमेशा ताज़ा भोजन ही खाएं। च्यू योर फूड वेल, हमेशा अपने खाने को अच्छे से चबा कर खाना चाहिए। डू नॉट टॉक वाइल ईटिंग, जब भी आप खाना खाएं उस समय आप बात ना करें। डू नॉट वेस्ट फूड, खाने को कभी बर्बाद ना करें। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, हमेशा खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद हाथों को अवश्य धोएं। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग देम, हमेशा फल या सब्जियों को खाने से पहले धोना चाहिए। नेवर स्किप मील्स, अपना खाना कभी ना छोड़ें। ऑलवेज ईट योर मील्स ऑन टाइम, हमेशा खाने को समय से लें। सुबह ब्रेकफास्ट, फिर लंच और रात में डिनर और इवनिंग के टाइम में टी एंड स्नैक्स। टाइम जो आपने बनाया है अपने खाने का, वो टाइमिंग आप कभी तोड़े नहीं, हमेशा अपने टाइम पर ही खाना खाएं। अवॉइड ईटिंग जंक फूड ऑफन, जंक फूड को अवॉइड करें, जंक फूड खाने से बचें। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे, प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 13, फन टाइम। लुक एट द गिवन फूड आइटम्स, ड्रॉ लाइंस फ्रॉम द सर्कल टू दोज दैट आर हेल्दी। आपको हेल्दी फूड का सर्कल दिया गया है मिडल में, बीच में। उस सर्कल से आपको ये फूड आइटम्स मैच करने हैं जो फूड आइटम्स आपके लिए हेल्दी होते हैं। लाइक जो वेजिटेरियन है उसके लिए फिश हेल्दी है, ग्रेप्स, वेजिटेरियन लोग ग्रेप्स लेते हैं, सभी लोग खाते हैं। चीज़ भी हेल्दी होता है, पीनट भी हेल्दी होता है, वाटरमेलन भी हेल्दी होता है, ओके। मफिन और बर्गर और आपकी आइसक्रीम, ये आपकी हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करते हैं, ओके।
तो आपको हमेशा अच्छा और हेल्दी फूड ही खाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 14। यूज़ द पिक्चर टू आंसर द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन के आंसर देते समय ये पिक्चर का यूज़ करना है। पिक्चर को ध्यान से देखिए। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं। यस, मिल्क। विच टाइप ऑफ फूड इज़ इट। ये कौन सा फूड है। अभी हमने चैप्टर में पढ़ा है कितने टाइप के फूड पढ़े हमने। एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड एंड बॉडी बिल्डिंग फूड। तो मिल्क किस में आता है। बॉडी बिल्डिंग फूड में। नेक्स्ट देखिए सर्कल द करेक्ट वर्ड। द लास्ट मील ऑफ द डे। दिन का अंतिम भोजन क्या कहलाता है। लंच और डिनर। डिनर, क्योंकि रात्रि में हम डिनर रात का भोजन करते हैं। पीपल हु डू नॉट ईट मीट आर कॉल्ड। जो मांस नहीं खाते हैं ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन मीन शाकाहारी। जो मांस नहीं खाते हैं ऐसे लोगों को मांसाहारी नहीं शाकाहारी कहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स कैन बी ईटन रॉ। कच्चा किसको खाते हो। पोटैटो और कुकुम्बर। यस, कुकुम्बर। पोटैटो को हम कच्चा नहीं खाते हैं, कुकुम्बर को हम कच्चा भी खाते हैं। वी गेट फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से क्या मिलता है। फ्रूट्स और मीट। यस, मीट। मीट पर टिक करेंगे क्योंकि फ्रूट्स हमें प्लांट्स से मिलते हैं और एनिमल्स से हमें मीट मिलता है। द मील दैट वी हैव इन द आफ्टरनून इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट और लंच। ऐसा भोजन जो हम दोपहर के समय लेते हैं उसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं या लंच। दोपहर के भोजन को लंच कहते हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट हम मॉर्निंग में सुबह के समय करते हैं। पेज नंबर 15। टेक द फूड आइटम्स दैट बिल्ड आवर बॉडी एंड हेल्प अस ग्रो। ऐसे फूड पर टिक करना है जो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, जो हमारे शरीर की वृद्धि करने में सहायक होते हैं। लाइक मिल्क, ड्राई फ्रूट्स, फिश, एग एंड चिकन। ओके, इसमें से कुछ वेजिटेरियंस के फूड हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियंस के फूड हैं। ओके, सो ये एक्सरसाइज कंप्लीट करिए, फिल करिए और लर्न कर लिए। दिस इज़ योर होमवर्क।